पृथ्वीराज मार्ग भैसा कॉम्प्लेक्स में गारमेंट्स की दुकान को चोर ने बनाया निशाना, एलईडी टीवी सहित नकदी व कपड़े चोरी करके हुआ फरार। चोरी की वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, दुकान मालिक पुरुषोत्तम ने सदर कोतवाली थाने में दर्ज कराया मुकदमा। शनिवार रात पृथ्वीराज मार्ग स्थित भैंसा कॉम्प्लेक्स में एक गारमेंट की दुकान को एक चोर ने निशाना बनाकर दुकान के ताले तोड़कर दुकान में रखे कपड़े, नकदी और एलईडी टीवी चोरी कर लिया और फरार हो गया। वारदात दुकान के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दुकान मालिक पुरुषोत्तम की रिपोर्ट पर सदर कोतवाली थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। दुकान मालिक पुरुषोत्तम ने बताया कि लगभग 60 से 70 हजार रुपए का माल चोरी हुआ है। क्या सूचना मिली थी किसी की दुकान में? सर, मेरी शिवम गारमेंट भैंसा कॉम्प्लेक्स में कपड़ों की दुकान है। जो मेरे को सुबह गुप्ता जी का फोन आया कि साहब आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे 9:45 के आसपास आया तो मैंने देखा ताले टूटे हुए हैं सारे और सारा जो है क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ माल। मैं कोतवाली गया, साहब को लेके आया, साहब ने चेक किया तो मेरी दुकान से कम 60-70 हजार रुपये का माल गायब है। और वो कैमरे में आ गया है, बंदा जो लेके गया है उसके हाथ में एलईडी है, कपड़ों से बड़ा हुआ बैग है, वो लेके गया। कैश का तो साहब मेरे गले में कम से कम 10 से 15 हजार रुपये पड़े थे, वो पूरा कैश गायब है। अब देखें कि प्रशासन क्या करता है, कोतवाली में साहब क्या करता है। कितने कीमती सामान थे आपकी किस चीज़ की? मेरे हिसाब से कम से कम 60-70 हजार रुपये का माल जो है वो गायब है। टीवियाँ तो साहब दिख ही रही है साहब, और कपड़े जो है वो खानों में दिख ही रहे हैं, खाने खाली पड़े हुए हैं, कपड़े लेके गया है। कौन सा नहीं खाली साहब? कोतवाली थाना। आप? मेरा नाम पुरुषोत्तम है, मेरा भैंसा कॉम्प्लेक्स में शॉप है, G4 भैंसा कॉम्प्लेक्स, शिवम गारमेंट।